हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ कि हम तो गाय की रक्षा करने के लिए नहीं, हम तो गाय का मांस खाएंगे। राज्यसभा में हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र भाषा का प्रयोग कि विस्की में विष्णु बसे, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिन में माता जानकी और ठर्रे में हनुमान किया बलवा चंद्र। पूरे देश में एक आक्रोश है और आक्रोश है सपा नेता नरेश अग्रवाल के। इन्होंने बीते दिनों एक बयान दिया जिसमें रम और शराब शब्द का प्रयोग हिंदू देव देवताओं के साथ मल दिया। ये भारतीय राजनीति है, ये भारतीय दर्पण है राजनीति का, जिसमें भारतीय हिंदू धर्म के धार्मिक स्थलों और भारतीय हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करके राजनीति को बढ़ावा मिलता है और राजनीति को बढ़ावा दिया जाता है। क्या ऐसे नेता अपनी राजनीति को उठाने के लिए और बढ़ाने के लिए क्या हिंदू धार्मिक नीति और रीति पर टिप्पणी करके अपनी राजनीति बढ़ाएंगे? नरेश अग्रवाल की इस टिप्पणी पर हालांकि पूरे देश में कई हिंदू संगठनों ने और खासकर हिंदू देवी देवताओं पर आस्था रखने वाले लोगों ने उन पर विरोध अपना दर्शाया और विरोध प्रदर्शन भी किया, कई जगह जगह ज्ञापन भी दिए गए। इसी सिलसिले में लखनऊ के PGI क्षेत्र के व्यापार मंडल के लोगों ने भी नरेश अग्रवाल का विरोध करते हुए PGI थाने में एक ज्ञापन दिया और ये बात कही कि इस तरह की भाषा का प्रयोग कहीं न कहीं हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र भाषा का प्रयोग भारतीय राजनीति के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और अग्रिम भविष्य के लिए भी ये ठीक नहीं है और कहीं न कहीं उनकी भावनाओं को यानी पूरे देश में हिंदू देवी देवताओं के प्रति ऐसी भावना ऐसी भाषा का प्रयोग करके उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुँचाया गया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट और देखिए किस तरीके से नरेश अग्रवाल ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उसके बाद विपक्ष ने भी इस पर जमकर लताड़ा और विरोध किया लेकिन इस पर अब पलटवार में नरेश अग्रवाल हमला बाजा ये भी जाए तो देखिए इस पर जब PGI थाना के थाना क्षेत्र के व्यापार मंडल के सदस्यों ने जब इसका विरोध प्रदर्शन किया तो उन्होंने क्या बात कही और किस बात पर दुर्गेश सिंह दीपू के साथ में उनके साथ व्यापार मंडल के समस्त सदस्य PGI थाना गए थे जिस पर ज्ञापन दिया गया, इनकी बात सुनते हैं और जानते हैं। बीते दिनों जिस तरीके से राज्यसभा में नरेश अग्रवाल जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन्होंने बयान दिया था भारतीय भगवानों पर, उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने रम और विस्की जैसे शब्दों का प्रयोग करके भारतीय भगवानों पर उनका उदाहरण दिया था। इस पर अभी आज PGI पर दुर्गेश सिंह दीपू की अगुवाई में वहां पर ज्ञापन दिया गया, उसमें साफ तौर पर मांग की गई है कि नरेश अग्रवाल पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए क्योंकि इनकी इन सब की भारतीय जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनकी भावनाओं को आहत किया गया, इस संदर्भ में दिया गया। लेकिन बात करते हैं, दुर्गेश सिंह दीपू हमारे साथ उपस्थित है और बात करेंगे आखिर इस धरने के पीछे का उद्देश्य और आगे क्या करेंगे। दुर्गेश जी, आज जिस तरीके से आप लोगों ने PGI थाने में ज्ञापन दिया, क्या आपको लगता है कि इस तरह के ज्ञापन देने से जो भावनाएं आपकी आहत हुई वो ठीक हो जाएंगी? नहीं ठीक हो जाएंगी, हमें लगता है कि उनको जो है एक उनके खिलाफ हम लोग संदेश ऐसा दे रहे हैं कि जिम्मेदार व्यक्ति पद पे बैठे हुए हैं और उन्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बात बोलने से, सोचना चाहिए। जी जी, आपने इस तरह बताया कि इस पर आनी चाहिए शर्म, नहीं क्या आपको लगता है कि इस पर जिस तरह बयान दिया ये बयान तो निंदनीय है, इस पर जो आपने कार्रवाई की मांग की वो किस तरह की मांग है और क्या मांग है, उस पर क्या सोचा है आपने कि आगे अगर नहीं होगा तो उस पर ऐसे करेंगे? आपकी मांग क्या है? अब हम लोग अगर इसको कोई हम तो चाहते हैं कि इनके खिलाफ FIR और जिन धाराओं में जो है मुकदमा पंजीकृत हो। जी, आपने देखा दुर्गेश ने बताया कि कहीं ना कहीं भावनाएं आहत हुई हैं और उन पर तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए क्योंकि भावनाएं हिंदू धर्म के सभी लोगों की आहत हुई है। ये व्यापार मंडल की तरफ से था, PGI का एक व्यापार मंडल का संगठन है उसके तरफ से ये ज्ञापन दिया गया था। हमारे साथ एक और कार्यकर्ता उपस्थित है व्यापार मंडल के, आइए हम उनसे बात करते हैं। जी, कैसे क्या लगता है आपको नरेश अग्रवाल ने जो बयान दिया उस पर आपकी सोच और कैसे आपकी भावना आहत हुई, उसको बताएं।
हिंदू धर्म के खिलाफ जो बीते 19 तारीख को संसद सत्र के दौरान जो नरेश अग्रवाल राज्यसभा सांसद भी हैं, एक जिम्मेदार पद पे हैं, उन्होंने जो एक धार्मिक भावना भड़काने का प्रयास किया है उससे देश में बहुत बड़ा हिंदुओं के प्रति रोष, हिंदुओं के अंदर रोष जागृत हो गया है। और हिंदू अब वो हिंदू नहीं रह गया है, हिंदू भी जागृत हो रहा है, वो अपने आराध्य के लिए ऐसे शब्द नहीं सुन सकता है। हमारी मांग ये है कि जो भी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई उचित हो सकती है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की हम मांग करते हैं।